नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, झारखंड में यहाँ पे जो है होमगार्ड की एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस जारी हुई है। दोस्तों, रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है प्रकाशित हुई है। डिफरेंट डिफरेंट प्रखंड में यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अच्छी जो है पोस्ट है निकाली गई है। लगभग जो है 1500+ सीटों के लिए यहाँ पे जो है निकाली गई है। दोस्तों, फर्स्ट में यहाँ पे देख पा रही कि जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो सीटें निर्धारित की गई है, जिसमें कि देख पा रही कि जो गढ़वा प्रखंड दी गई है, इसमें जो है यहाँ पे पुरुष के लिए 30 सीटें, महिला के लिए जो है 29 सीटें। मेराल जो प्रखंड है, इसमें जो है पुरुष के लिए यहाँ पे जो है 31 सीटें एंड 32 जो है महिला के लिए दी गई है। एंड रमुना जो प्रखंड है, इसमें जो है 36 यहाँ पे मेल के लिए है एंड फीमेल के लिए जो है 35 यहाँ पे जो है सीट रखी गई फीमेल के लिए। नगर जो प्रखंड है, इसमें जो है 26 यहाँ पे मेल के लिए है एंड फीमेल के लिए जो है 25 है। वहीं पे जो सगमा प्रखंड है, इसमें जो है टोटल मेल के लिए 40 सीट है एंड 41 सीट जो है यहाँ पे महिला के लिए है। दुर्की प्रखंड में आप देख पा रहे कि 41 यहाँ पे जो है मेल के लिए है एंड 40 जो है यहाँ पे फीमेल के लिए। भावनाथपुर में यहाँ पे 42 जो है मेल के लिए सीट है एंड 42 जो है आपका फीमेल के लिए। जो खरौंदी प्रखंड है, इसमें जो है 24 सीट मेल के लिए आरक्षित है एंड फीमेल के लिए जो है 23 सीटें। दोस्तों, यहाँ पे जिस भी प्रखंड से आप आते होंगे, लाइक यहाँ पे मझिआंव, कांडी, बरडीहा, रंका, भंडारिया, रामकंडा, चिनिया, बड़गढ़, केतार, विष्णुपुरा, डडई, डंडा, ये सभी जो है आपका प्रखंड दी गई है। इन सभी में यहाँ पे जो है नियुक्ति की जा रही है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो प्रखंड दी गई है इन सभी के लिए। टोटल यहाँ पे देख पा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है यहाँ पे 1456 सीटें हैं, जिसमें कि 728 जो है मेल के लिए है और 728 जो है फीमेल के लिए है। तो टोटल जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 1456 सीटें हैं। एंड शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो है टोटल यहाँ पे 45 सीटें हैं, जिसमें कि मेल के लिए जो है यहाँ पे 22 सीटें हैं एंड फीमेल के यहाँ पे जो है 23 सीटें हैं। तो आप ग्रामीण या फिर जो है शहरी जिस क्षेत्र से आते होंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो है आप देख करके भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट जो निकाली गई है यहाँ पे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा यहाँ पे जो है निकाली गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा के द्वारा यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट जारी हुई है। विज्ञापन संख्या जो है आपको यहाँ पे दी गई है। ये जो है आपका अच्छी जॉब है, बिल्कुल जो है इसमें अप्लाई करें। दोस्तों, आप जिस भी प्रखंड से होंगे उसी प्रखंड में जो है आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो है वहां का आपका आवासीय प्रमाण पत्र भी जो है आपको मांगा जाएगा। तो आप बेहतर होगा कि आप अपने प्रखंड का ही जो है इसमें आवेदन कीजिएगा। अहर्ता की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे कि अहर्ता में जो है आवासीय मांगी गई है, जिसमें कि ग्रामीण गृह रक्षक के लिए यहाँ पे जो है बतलाई गई कि अभ्यर्थी को जो है गढ़वा जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से जो है ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। दोस्तों, आपको जिस प्रखंड का आप अस्थायी निवासी होंगे उसी प्रखंड के लिए जो है आपको आवेदन देना होगा, ठीक है। साथ में जो है अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र भी जो है आपको स्व प्रमाणित छह प्रति भी संलग्न करना होगा। ये जो है आपका कंडीशंस रखी गई है। एंड शहरी क्षेत्र के लिए सेम आपका रखी गई है कि अभ्यर्थी को जो है गढ़वा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। एंड अपने आवेदन के साथ जो है राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो भी जो है आपको 6 प्रति संग्रह करना होगा, ठीक है। ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र के लिए यहाँ पे जो है दी गई है। उम्र सीमा 19 साल रखी गई है मिनिमम, एंड अधिकतम जो है 40 वर्ष यहाँ पे जो है अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में अप्लाई करते हैं उसके लिए जो है 7वीं पास रखी गई है। एंड जो लोग शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन देते हैं उनके लिए जो है न्यूनतम मैट्रिक पास होगा। तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। शारीरिक मापदंड की बात कर ले तो यहाँ पे चाहे आप ग्रामीण के लिए अप्लाई करते हैं या फिर शहरी क्षेत्र के लिए, दोनों में जो है आपका लंबाई जो है मेल के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पे सामान्य ओबीसी एंड पीसी के लिए रखी गई है। एंड 157 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे जो है रखी गई है। एंड फीमेल के लिए हाइट जो है 148 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए रखी गई है। एंड सीना जो है ओनली पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर यहाँ पे सामान्य ओबीसी एंड बीसी की कैटेगरी के लिए, वहीं पे 76 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे जो है रखी गई है। तो ये जो है आपका यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे दी गई है शारीरिक मापदंड के लिए। चयन की जो प्रोसेस आपके यहाँ पे होगी तो यहाँ पे देख पाओगे कि चयन का जो प्रोसेस होने वाला है इसमें आपका किसी भी प्रकार का रिटर्न टेस्ट नहीं ली जाएगी।
ओनली जो है आपका जो समिति यहाँ पे गठित की होगी चयन प्रक्रिया, उसके माध्यम से जो है जांच परीक्षा ली जाएगी एंड शारीरिक जांच परीक्षा के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगी। देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगी जिसमें कि 1 मील जो है आपका यहाँ पे दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, शॉर्ट फुट होगी, ये सभी में जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप 1 मील यहाँ पे दौड़ करते हैं जो कि अगर आप मेल होंगे तो उन सभी को जो है 5 मिनट में 20 अंक दिए जा रहे हैं, एंड जो लोग 5 से अधिक अंक लेते हैं, 6 अंक लेते हैं, उन सभी को 10 अंक लिए दिए जाएंगे, एंड जो लोग 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले जो उनको जो है अयोग्य यहाँ पे माने जा रहे हैं। वहीं पे फीमेल के जो है 8 मिनट या उससे पहले यहाँ पे 1 मील करेंगे उनको 20 अंक दिया जाएगा, 8 से अधिक 10 मिनट तक लेते हैं उनको 10 अंक, एंड 10 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो उनका जो है अयोग्य यहाँ पे मानी जाएगी। ऊंची कूद जो है मेल के लिए न्यूनतम 4 फीट रखी गई है, 4 फीट 4 फीट से 3 इंच होगा, उनको जो है 6 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से अंक दिए जा रहे हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद या फिर दौड़, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे कि जो आप अगर आप जो है राष्ट्रीय स्तर से खेल कूद किए होंगे या फिर जो है राज्य स्तर से, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपका यहाँ पे अंक दिए जा रहे हैं। प्रथम स्थान अगर आप लाए होंगे राष्ट्रीय स्तर पर उनको 6 अंक दिए जा रहे हैं, एंड राज्य स्तर पर अगर लाए होंगे तो उनको जो है 3 अंक दिए जा रहे हैं। द्वितीय स्थान में राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे एंड 2 अंक जो है राज्य स्तर पर। तृतीय स्थान अगर राष्ट्रीय स्तर पर लाए होंगे उनको 2 अंक दिए जा रहे हैं, एंड 1 अंक जो है राज्य स्तर में अगर आप तृतीय स्थान लाए होंगे उनको जो है 1 अंक दिए जाएंगे। और हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी जो है आपका यहाँ पे अंक दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्नातकोत्तर से अप्लाई करते हैं उनको 10 अंक दी जा रही है, स्नातक से 8 अंक, इंटरमीडिएट से जो है 6 अंक, एंड मैट्रिक से जो है आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि अगर आप स्नातक किए होंगे, स्नातकोत्तर किए होंगे, तो उसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई आपको कैसे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे जो है आपको आवेदन करनी है। देख पा रहे कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसके माध्यम से जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे कि 100 रुपीज जो है आपको अप्लीकेशन फी भी जो है आपका यहाँ पे ली जा रही है। तो आपको ऑनलाइन जो है आपका 100 रुपीज जो है अप्लीकेशन फी जो है आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे देख पा रहे हो, 25/4/2023 से जो है इस फॉर्म का यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जो लास्ट डेट है 9/5/2023 तक जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लियर मेंशन की किसी भी स्थिति में आवेदक जो है ऑफलाइन या फिर पोस्ट के माध्यम से आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है आपको 100 रुपीज लिया जा रहा है, जो कि इसकी यहाँ पे वेबसाइट दी गई है उसके लिंक के माध्यम से जो है आपको जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम जो है जो भी प्रमाण पत्र होगा उन सभी का पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो, ये हस्ताक्षर, ये सभी जो है आपको अपलोड करना होगा। साथ में जो है आवेदक आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, इन सभी का जो आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, इन सभी को भी जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। एक से अधिक अगर आप आवेदन करते हैं तो उनका यहाँ पे जो है रद्द किया जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप एक ही पोस्ट, एक ही प्रखंड के लिए जो है आवेदन करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो कंडीशंस रखी गई कि आवेदक जो है आवेदन करने के टाइम आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम जो है यहाँ पे आपको देनी होगी। तो दोस्तों बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी थी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और अपने साथ अपने जरूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।